la 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 la. आइलिन तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अंदर कैसे आ गई? हाँ पागल हो गई हूँ। तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देते? क्या कर रहे हो तुम? आइलिन तुम निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। हाँ इनमें मेरे भाई के कैंपेन्स के सारे फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है? बेवकूफों जैसी हरकतें मत करो। तुम्हें लगता है कि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे? मुझे ये सब नहीं चाहिए अमरे। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। पर तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करते, ऐसा क्यों एम्रे? आइलिन हम बाद में बात करते हैं, मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगी? इसका लाउड लग रहा है बंदी का। पहुंच चुके हैं। हमने कुछ टेंस मोमेंट भी देखे हैं, तो इससे मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे कि जरा संभल कर खेलना चाहिए था हमें, क्योंकि हम बच्चों की तरह हरकतें तो नहीं कर सकते हैं। हमें बैडमिंटन खेलने के लिए मिले हैं, ना कि एक दूसरे पर फेंकने के लिए। समझ में आया? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करने के लिए। मिस्टर एमरे, ये सब मैं आपकी टीम के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो लोग तो खुद ही जानते हैं। मैं तो बाकी को बोल रहा हूँ। मिस्टर जान हम आ गए। हाँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल रेस है, इसके लिए मैं अपनी दोस्त सनम को बुला रहा हूँ और उनको टक्कर देंगी आइलिन, जो कि दूसरी टीम से हैं। उनका स्वागत करेंगे हम लोग। मुझे नहीं खेलना है, प्लीज। जाओ ज्यादा नखरे मत दिखाओ, जाओ जाओ जाओ। हाँ तो इनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाए। अब हम छह लोगों को बुलाएंगे हर एक टीम के लिए, तीन अपनी टीम से और तीन विरोधी टीम से होंगे, तो कुल मिला के छह लोग होंगे। जी दोस्तों, इसमें छह लोग होंगे। आप क्यों आगे नहीं आ रहे? इस गेम में आपको टच करके पहचानना है कि सामने वाला कौन है, और जो सबसे ज्यादा लोगों को टच करके पहचानेगा वो इस गेम में जीतेगा। हाँ तो अब सब लोग खामोश हो जाएंगे ताकि किसी को भी पता ना चले कि कौन है सामने वाला, वरना ये चीटिंग कहलाएगी। आप हंस क्यों रहे? जरा हमें भी बताएंगे क्यों हंस रहे हैं, ताकि हम भी हंस सके। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको कैसे हाथ लगा करके अपने साथी को पहचानना है। अभी चलिए ना, आखिरी राउंड है, चलिए ना। जीत और हार का फैसला करेगा। आइए। ओके तो अब हम खेल शुरू करने वाले हैं। कोई भी कोई चीटिंग नहीं करेगा, नहीं तो पॉइंट कट जाएंगे। चलो शुरू करो। सही कहा, एक पॉइंट और ऐड करो।
साथ 2-2 है। चलिए आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही। डेरन, मैंने उसकी गंदी बालों से पहचाना। प्लीज फालतू का कोई कमेंट नहीं करेगा, आपको सिर्फ अपना काम करना है, समझ पाया? एहसान, एहसान है, अगर आप नहीं पहचानते तो वैसा कहिए, मुझे एक्साइटेड मत कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू कीजिए। अली, बहुत बढ़िया, अली को पहचान लिया है। दिलेश, ओ सही पहचाना, दिलेश। एलिफ, एलिफ कहा? हाँ हाँ, एलिफ बिल्कुल सही है। वो नहीं जानती, ठीक है। एमरे, एमरे कहा बिल्कुल सही है, मिस आयलिन खेल जीत चुकी है, आपको मुबारक हो। नहीं नहीं शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो, आप ये खेल जीतती हैं। तो अब हम फिर से मिलेंगे इसी जगह पर डिनर की पार्टी के बाद, ये ना भूलने वाली पार्टी होगी। कैंप में किसी ने नहीं देखा, अच्छा हुआ कि तुमने यहाँ नहीं पहनी। मिस्टर एमरे, मुझे कुछ नहीं पता कि किसने देखा और किसने नहीं, मैंने यहाँ पहनी है लेकिन मुझे बाद में निकालनी थी, क्योंकि यहाँ तो सभी की नजरों में मैं एंगेज हूँ ना। लेकिन वो यहाँ क्यों आए थे? यहाँ तो कहा गया था कि कपल में आए, यहाँ तो हर कोई सोच रहा है कि मैं एंगेज हूँ, पर किसी का ध्यान ना जाए इसलिए मैंने। ठीक है, वो रिंग मुझे दे दो, वरना परेशानी हो सकती है। और अगर मिस्टर जान ने पूछा तो? वो क्यों पूछेगा? पता नहीं, पर वो रिंग को लेकर परेशान होते हैं और हमेशा पूछते रहते हैं रिंग कहाँ है। हाँ मैं समझ गया, लेकिन अब ये रिंग मुझे दे दो, जब तुम उसके पास जाओगे तब ले लेना। हाँ। ओह गॉड, कितना बोझ उतर गया मेरे दिल से। चलो हम डिनर पर मिलते हैं। तुम ऑफिस में हो ना? मैं कुछ विजुअल्स भेज रही हूँ, तुम एक कैंपेन तैयार करो इन्हें लेकर, ओके? तुम्हारा वो कोई दोस्त है ना हैकर, वो अभी भी है? गुड, उससे कहो कि वेबसाइट अरेंज करे और वहाँ कैंपेन डाउनलोड करे, लेकिन लोगों को ऐसा लगे कि ये एक साल पहले का है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये डेट नकली है। और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जैसा कहा वैसा करो और मेरे मैसेज का इंतजार करना। अब देखना मैं क्या करती हूँ, मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना तुमने? इस प्रेशर में इतना नशा है कि मुझे नींद आ रही है, मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ, आएगी ही ना? अगर तुम चाहो तो हम राउंड मार कर आ सकते हैं। मिस्टर जॉन आ रहे हैं। Thank you.
रहा, खाना चल रहा है? सनम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मुझे एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है मुझे, थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही हूँ। ओके मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मुझे वो रिंग दो। मिस्टर एमरे मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है। मैं उस औरत से डर गया, मैंने बहुत विनती की, बहुत विनती की, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? कितनी शान की बात है, आखिरकार मैं एक एमरे रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये आप समझ नहीं सकते मेरे लिए कितनी दुख भरी बात है, मैं कैसे एडजस्ट करूंगा? मुझे समझाइए, मेरी हेल्प कीजिए। सही किया तुमने, सामान अपने आए, मैं मदद करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कहाँ चली गई? कितनी अच्छी बात है ना मिस्टर जान, कम से कम हम यहाँ साथ में तो है। कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से बात किए हुए, को नहीं लगता कि हम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं अपने अपने काम को लेकर? डरन आज से क्या फर्क पड़ता है, हम हमेशा ही तो साथ रहते हैं। हाँ मेरा मतलब है कि बिजनेस के अलावा भी एक दूसरे के लिए वक्त निकालना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? अब फिर से नहीं। हाँ बोलो मेरे भाई। हमने शहर के हर कोने कोने पर बिलबोर्ड्स देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो मैंने खींची हैं। देखना तुम बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। हाँ ठीक है, जल्दी मिलते हैं। उस्मान तुम मेरी मदद करोगे क्या? ऐसा बर्ताव करो जैसे अंदर इंग्रेज है, तुम बताओ ना इसे। हाँ वो सही कह रही है, तुमको उसकी मदद करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी भी एक इच्छा है, समझे ना तुम? हाँ सही, हाँ मेरी मदद करो प्लीज। देखो तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आई हो, प्लीज मेरी बात मानो प्लीज। यहाँ हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे प्लीज, इसलिए प्लीज मेरे कंधे पर हाथ रखो। और मैं ये वीगन खाने का क्या करूँ? हाँ आखिरी सांस तक कोई मीट नहीं मिलेगा मुझे। चीजें कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हो, तुम खुद को समझते क्या हो? देखो तो जरा सब कितने खुश हैं। एग्जैजरेट कर रहा हूँ। देखो जरा सब कितने स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सब एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई देंगे, मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम लोग बात करो, मैं बस अभी आया। एमरे सर कहाँ जा रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गए? हर कोई स्ट्रेस है, कुछ आ रहा है समझ में, और तुम्हें लगता है सब कुछ अच्छा है और तुम कुछ फील क्यों नहीं कर सकती हो? अभी मैं कुछ अलग फील कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तुम सही बोल रही हो, बिल्कुल सही, मैं खुद ही शहर ले लेता हूँ। हेलो कैसे हो तुम लोग, मजा आ रहा है कि नहीं? मिस्टर एमरे बहुत मजा आ रहा है, आपने ये ट्रिप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की है, सच में बहुत मजा आ गया। ये है उस्मान, मेरा फियांसे। हाँ हाय उस्मान, मैं एमरे। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आप दोनों हमेशा खुश रहें। थैंक यू। खाना एंजॉय कीजिए। अरे सनम फैब्री आ रहा है। चलो चलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो चलो। रोको मिस्टर एमरे, अब तुम अपनी सारी हदें पार कर रही हो सनम, ये क्या तरीका है? हाँ सरप्राइज, देखिए कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। तो आप लोगों ने क्या किया सब अच्छा चल रहा है ना? नहीं दोस्ती है ना? बहुत अच्छा, मैं हर एक टेबल पर खुद एक एक बार में जाऊंगा। ओके तैयार है? ओ, तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं?
सो डियर, कैसा रहा सर? हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर जॉन। हेलो मिस्टर फैब्रिक। सनम, वो मेरे हाथ गंदे हैं ना, मैं इन्हें धोकर आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? जॉन, आप मेरे साथ आएंगे? सबको सरप्राइज देने आप यहाँ आ गए। हेलो, अच्छी बात है। कैसी हो? बॉन एपेटाइट। बॉन एपेटाइट। तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आया हूँ। सनम, क्या हो रहा है? यहाँ आए हैं, मुझे रिंग दीजिए। मुझे लगता है मैं एक दिन पागल होने वाली हूँ। एक बार वो देख ले, उसके बाद ये रिंग मुझे वापस कर देना, ठीक है? मिस्टर एम्ब्रे, मुझे बताइए ये सब क्या चल रहा है? रिंग ले लो फिर वापस दे दो, अभी ले लो फिर बाद में वापस दे दो, ले लो दे दो, ले लो दे दो, आप दोनों भाई मिलकर मुझे एक दिन पागल कर देंगे। सनम, तुम ये रिंग बस मुझे वापस कर देना, ठीक है ना? ये सब क्या हो रहा है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, आप हमसे बताइए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सनम, मिस्टर एम्ब्रे, मैं नहीं जाऊंगी। आइलैंड को नहीं दिखना चाहिए बस। आइलैंड मेरी एक्स फियांसे है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तब मैंने ये रिंग उससे वापस ले ली थी, उसने देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मुझे रिंग दे दी ताकि वो मेरा जीना हराम कर सके। आपने मुझे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों डाला आखिर? सनम, ये रिंग तुम बस अपने पास रखो और ये रिंग आइलैंड को मत दिखाना, ठीक है? मैं तुम्हें सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं आप आ गई हूँ हाथ धोकर, अब हम हाथ मिला सकते हैं। अरे कोई बात नहीं है। आप लोग बैठ के बातें करिए, मैं जरा एलिन से मिलकर आता हूँ। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। आइए एलिन, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आता हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, हम पहले जैसा फिर से इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं आइलिन हूँ। सनम, मैं लेफ्टी हूँ। नाइस टू मीट यू। तुमने मिस्टर जॉन के बारे में सुना? उन्होंने कांग्रेट्स बोला। जॉन से मैं पहले कांग्रेचुलेट नहीं कर पाई, हर जगह तुम्हारी ही खबरें हैं आजकल। जॉन देवित ने विमेंस एसोसिएशन के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज, जॉन देवित कैंपेन को इंटरनेशनल कंपनीज ने बहुत सपोर्ट किया, जॉन देवित के कैंपेन को अवार्ड मिल सकता है। किस तरह का कैंपेन है, तुम हमें बता दे। क्यों नहीं? क्यों तुम्हारे जासूसों ने नहीं बताया? अभी तक तो नहीं। गुड, फिर तुम्हें जल्दी पता चलेगा। शहर के हर कोने में तुम्हें बिलबोर्ड्स दिखाई देंगे, तब देख लेना। मुझे तो जानना है तुम्हारा जासूस कौन है। मेरा जासूस तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारा तो ध्यान भी नहीं जाएगा। दिस इज एक्साइटिंग। सो सॉरी, थोड़ी लंबी बात हो गई। कोई खास बात? मेरे साथ आओगी? हम अभी आते हैं। हाँ, सब गेम खेलना बंद करो। तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता फैब्रिया कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन मिस्टर जॉन। सनम, मुझे बिजनेस की परवाह नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो जो करने का तुम्हारा दिल करता है। चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। Thank you.
गए तो चली जाऊंगी। के लिए हमें यह नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहे। मुजाफिर, मुझे लगा था तुम्हारी डोंकी पर सवारी वाली बात एक मजाक है, पर हम तो सच में सवारी कर रहे हैं। देखो आयान, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, तो मैं किसी डोंकी की भी नहीं सुनता हूँ, समझ गई? डोंकी तो क्या, शेर पर भी जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। सबसे पहले हमने मिनी बस की सवारी की, अब इस डोंकी पर सवार होकर हम सनम तक कैसे पहुँचेंगे? अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हारी बात क्यों मानी, समझ नहीं आ रहा। पछता तो हो गया जब चिड़िया चुप गई खेत। आखिरकार ये मेरी जिंदगी है ना, मैं जानना चाहता हूँ कि सनम का फियांसे कौन है। उसके बारे में सोच सोच के मेरा दिल उठने जा रहा है। डोंकी की जगह हमें हॉर्स पर बैठकर आना चाहिए था। उनमें हॉर्स पावर होता है ना, इसलिए वो तेज भागते हैं। ये तो डोंकी है, डोंकी कहाँ तेज भाग सकते हैं। हाँ, लगता है जोश आ गया, मेरी बात सुनकर जोश आ गया इसे। प्लीज देखो कैसा भाग रहा है। प्लीज बोलो कि हम पहुँच गए हैं। हाँ, उस पहाड़ी के पार सवेरा होगा। अरे नहीं, कब तक पहुँचेंगे और कितना वक्त लगेगा? क्या हुआ, तुम ऐसे परेशान होकर अकेले क्यों बैठी हो? नहीं तो, मैं ठीक हूँ। अनाने, जाओ जाकर उससे बात करो। नहीं, बात नहीं कर सकती मैं। अनाने, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, समझ गई? तुम्हारी आंखें सब बयां करती हैं। उस्मान, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। कि तुम बस जाओ और बता दो कि तुम एंगेज नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, फिर वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। हाँ तो करने दो ना, तुम कोई उम्मीद तो नहीं रखोगी? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, उनकी गर्लफ्रेंड है। ये सब भूल जाओ सनम, उसके पास जाओ, उसकी आंखों में देख कर कह दो कि प्यार करती हो, बाकी वो देख लेगा। देखो, अगर बहुत देर होगी तो तुम पछताओगे, ऐसे प्यार करती रहोगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, प्यार अधूरा रह जाएगा और बस दिले दिल रोते रहेंगे। हम मेरी बात कर रहे हैं। अंदर आ जाओ भाई साहब। हेलो, कैसे? मैं अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, मेरी दोस्त सनम यहाँ पर रुकी हुई है। क्या, कौन सी सनम? सनम आई थी ना हमें, उसका जरा देखिए ना, जल्दी कीजिए। सारे पार्टिसिपेंट तो पीछे गार्डन में हैं सर। हाँ, सारे के सारे, सब के सब मिलकर पार्टी कर रहे होंगे। चलो जल्दी, हमें वहाँ जाना होगा। मुजफ्फर, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? पूरा दिन चल चल कर मेरी ये हालत हो गई है, अब मुझे प्यास भी लगी और तुम मेरे लिए पानी तक नहीं ले आ पा रहे हो। देखो आयान, वक्त पानी पीने का नहीं, सनम को ढूंढने का है। जब तक सनम को ढूंढ लेंगे, ना कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पियेंगे। मुझे पता लगाना है कि उसका फियांसे कौन है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता लगाना ही है। वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे मुजफ्फर रुको, मेरी बात तो सुनो, मुझे पता है कि मेरी हालत और खराब होने वाली है। तुम सही कह रहे हो, बात क्लियर होनी चाहिए। ये हुई ना बात, बात करोगी ना?
लैला कितनी अच्छी लग रही है डांस करते हुए। तो फिर तुम भी जाओ ना उसके पास। नहीं नहीं, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, जाने दो फिर कभी। तुम हो तो हिम्मत आ रही है मुझे, सब कुछ बता दूंगी। जैसे जान कहाँ है? लेकिन अभी तो यही थे, कहाँ चले गए पता नहीं। तुम अभी बात करने वाली हो उनसे? बिल्कुल, मैं उनसे अभी बात करने वाली हूँ, आगे चाहे जो भी हो जाए। क्या बात है, ये हुई ना सनम वाली बात, मैं जानता था। मैं उनको बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। मैं बता दूंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, और अगर फिर मुझे उन्होंने काम से निकाल दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, यही तो मैं सुनना चाहता था। सनम, जबरदस्त अयान, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उस्मान, मेरे भाई तुम। क्या बताऊँ, मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी उंगली में रिंग है, तुम्हारी उंगली में भी रिंग है। अरे बाप रे, इतनी महंगी डायमंड वाली रिंग है तुम्हारे हाथों में, मतलब तुम दोनों की पक्का एंगेजमेंट हो गई। उस्मान, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे भाई। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसको दर्द सुनाऊं। अरे तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रही, चलो जल्दी चलो। Hem beni öldürdün hem bendeki seni, böyle olsun istemezdim. Ben malumum ama sen de kaybettin, ben hayatı sen de beni. मैंने क्या सोचा था, तुम क्या निकले? सोचा था कि तुम भाई हो, लेकिन तुम तो भाई के नाम पे धब्बा निकले। धब्बा क्या, अब्बा डब्बा चप्पा निकले। नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान। हाँ, देखना जरूरी है। गाना बदलने दो, मेरा हाले दिल बयां कर रहा है वो। Gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Seninle sevin bu yorgun yıllarım. Tüm galak samaj rey o, hamari peçe sar kuş bhi nahi hai. Tüm log batao na ise kuş yaar. Ye log kya bataenge, maine khud dekha hai. Apni badi badi batate jaisi aankhon se dekha hai maine khud. मैं सनम से शादी करना चाहता था, घर पे रिश्ता लेकर गया तो बोले कि सोचेंगे। उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बीतते गई, लेकिन जवाब नहीं आया मिलर्ड, और फिर मेरे सामने आया उस्मान। मुझे तुमसे शादी कभी नहीं करनी थी। अब देखो, तुम्हारी नसीब में सिर्फ और सिर्फ मैं ही लिखा हूँ, और कोई नहीं है। हा? मेरी नस नस में, रग रग में सिर्फ तुम ही तुम हो। बोलो कौन है? सिर्फ और सिर्फ सनम है, और कोई हो भी नहीं सकता। इस हादसे को भूल नहीं पा रहा है बेचारा। मैं थक गई हूँ, बंद करो इसे अब। चुप रहो तुम, बंद मत करो प्लीज। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे जाना होगा, थोड़ा काम है। आ जाओ, भाग जाओ, हमेशा ऐसे मुझे छोड़कर भाग जाती हो तुम। लेकिन मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, दूध का ग्लास पूरा पी डाला। हेलो हेलो, क्या मिस्टर जान उनकी रूम में है? मिस्टर जान, जान डेविड, जॉन डेविड तो घर के लिए निकल गए मैम। लेकिन कब? एक घंटे पहले। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर एमरे, क्या मैं मेरी बहन के साथ घर जा सकती हूँ? मुझे जाना होगा। जाओ, मगर काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा, सी यू। सारा काम हो जाना चाहिए। लैला, सुनो, सनम कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। सुनो, हम वापस जा रहे हैं। क्यों, अचानक क्या हो गया? वो मैंने मिस्टर एमरे से पूछा, उन्होंने कहा हम जा सकते हैं, आप मुझे रास्ते में छोड़ दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। जबरदस्त भी तो ठीक नहीं है। सनम, अब तुम क्या करने जा रही हो? लैला चलो, हैव अ नाइस डे। वेलकम मैम।
Are you sure, Hilmi? मैंने जो कहा था वो किया? वेबसाइट रेडी है ना? ये एक साल पुरानी होनी चाहिए. और वो वीडियोस रेडी हैं? ओके, मीडिया में भेज दो. हाँ, अभी. What's up? मन नहीं लग रहा था तो आ गया. अंदर आने को नहीं कहोगे? इतनी पी रखी है तुमने कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो. जल्दी से जल्दी अपने घर जाओ और जाकर आराम करो. हम आपस में ऐसे लड़ नहीं सकते हैं. जाओ. मैं समझ गया जो तुम कह रही हो. मैं बिल्कुल समझ गया. मैं चुप रहूंगा लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि उस्मान और सलेम उन दोनों ने धोखा दिया मुझे. रुको. क्या कर रहे हो? धोखा मिला है मुझे. शांत हो जाओ. कुछ भी नहीं है. हम लोग की एंगेजमेंट नहीं हुई है. चुप रहो. आप कितना झूठ बोलोगे? मैंने तुम दोनों के हाथों में रिंग देखी है. महंगी वाली चमकती भी रिंग देखी है और तुम लोग कह रहे हो कि एंगेजमेंट नहीं हुई है. क्यों झूठ बोल रहे हो? मुझसे क्या मिलेगा तुम लोगों को झूठ बोल के? लैला, फिर ये सब क्या हो रहा है? वो डैड. प्यारे ससुर जी, आपको मैं सच बता दूं, आपकी बेटी सरेम ने उस मान के साथ एंगेजमेंट कर ली है. आप तो जोरदार तालियां हो जाए. लैला, तुमने उस्मान से एंगेजमेंट कर ली और हमें कुछ बताया भी नहीं? नहीं मॉम, वो मैंने नहीं, वो सनेम ने किया है. सनेम कहाँ है? सनम को एक जरूरी काम आ गया था इसलिए वो बाद में आएगी. उस्मान, तुमने सनेम के साथ एंगेजमेंट क्यों की? बताओ मुझे, मैं बस गिरने ही वाली हूँ. जल्दी बताओ. लैला संभालो मुझे. नहीं नहीं क्योंकि आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं. आप गलत समझ रही हैं. हम दोनों की एंगेजमेंट नहीं हुई है. मैं सच कह रहा हूँ. मैंने अपने कान से सुना था ये दोनों अब एंगेज हैं. माय गॉड आंटी, बकवास करना बंद कर दीजिए. आपको कुछ भी पता नहीं है. आप कुछ भी बोले जा रही हैं. मॉम, डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप मेरा विश्वास कीजिए. तो फिर तुम ही हम लोगों को बता दो ना. मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है. कौन किससे शादी कर रहा है, मुझे भी तो बताओ. आखिर हो क्या रहा है? उस्मान, लैला, सब लोग अंदर आओ जल्दी. और आप तमाशा क्या देख रहे हैं? अपने अपने घर पर जाइए. जल्दी जाइए. कुछ काम नहीं है आप लोगों को. क्या जाइए. ओके बे, मैं भी अंदर आऊं क्या? हाँ, आना चाहते हो तो आ जाओ. किसने मना किया है? चलो तुम लोग अंदर चलो. चले जाइए आप भी चले जाइए. मुझे अपने दूल्हा गैरों में कहा था. मैंने सोचा जिसको अपना उसी ने तोड़ा मेरा सपना. जिसे मैं करता था नए दिल से प्यार, वो भूल गई मुझे मार के तका. म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है, जरा रिमोट पास करना ना. मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा. इस काम में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी. हाँ, ये बहुत ही बढ़िया. क्या है वैसे ये? क्या बनाया इसे? मुझे बिना लैक्टोज के चाहिए. बोला कर दो ना, इसे चेंज करो. एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के सामने थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ. अगर मैंने प्रॉब्लम्स की है तो मैं ही सोचता हूँ कि मैं ही उन्हें सॉल्व कर सकता हूँ, और कोई नहीं. जरा टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना, जल्दी करना.
तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? वो मिस्टर जॉन, मुझे आपसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आ सकती हो, आ जाओ। आपने कहा मेरी वहां आना एक गलती थी, तो मैंने आपके साथ अजीब बिहेव किया था, और जब मैंने कहा कि आप चाहे तो मैं रुक सकती हूँ, वो मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही थी। और वो बाय द वे आपने मेरे फोटोज बहुत अच्छे खींचे हैं, मैं बस यही कहना चाहती थी। आप हंस क्यों रहे? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना? मैंने इससे पहले ऐसा कभी फील नहीं किया है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं हाँ सर। कुछ अर्जेंट होगा। हाँ बोलो। मिस्टर जॉन, टीवी चालू कीजिए जल्दी, अभी इसी वक्त। हाँ हाँ करता हूँ। आई एम सॉरी, लगता है कुछ अर्जेंट है। अभी अभी हमें सूत्रों से खबर मिली है कि जॉन डेविड की नई कैंपेन जैसी एक कैंपेन दरअसल एक साल पहले ही एक वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी थी। मिस्टर जॉन डेविड और उनकी कंपनी कॉपीराइट इश्यूज में फंस सकती है। कोई मेरा करियर खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिस्टर जॉन, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आइडियाज थोड़े से सिमिलर तो हो ही सकते हैं ना, हम कहीं से इंस्पिरेशन तो लेते ही हैं। सनम तुम मुझे देखो, देखो मुझे, मुझे देख के लगता है कि मैं किसी का आइडिया कॉपी करूंगा? क्या मैं ऐसा? बताओ तुम्हें, बताओ सनम। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हम वो वेबसाइट देखते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उसके बाद पता चलेगा और तभी हम उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनसे पहले बात करनी होगी। मिस्टर जॉन, सनम उससे क्या हो जाएगा? मेरी बेइज्जती तो हो गई ना, हाँ? अब मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मेरी कोई गलती नहीं है? और जब तक ये केस कोर्ट में सॉल्व नहीं होता, तब तक तो मेरा करियर बर्बाद ही हो गया ना। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये एक साजिश, मेरे करियर को बर्बाद करने की साजिश। किसी ने अच्छे से सोच समझ के ये सब कुछ प्लान किया है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लेकिन लेकिन मिस्टर जॉन, सनम 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 मेरी बात सुनो एक मिनट के लिए प्लीज, मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे वक्त दो, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज, थोड़ी देर के लिए सनम प्लीज, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो मैं सनम सनम प्लीज सुन जाओ। ऑलराइट, Oh, 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 oh
ayrılık hayallerine uç hadi uç. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.